हेलो नमस्ते बच्चों, आज हम वर्णमाला सीखेंगे। वर्णमाला को हिंदी में अल्फाबेट्स कहते हैं। अल्फाबेट्स तुम इंग्लिश में जानते हो, ए बी सी डी, है ना। इसी तरह से हिंदी में भी अक्षर होते हैं, जो शुरू के अक्षर उनको आई ई कहते हैं, जिन्हें स्वर कहते हैं। स्वर देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ, स्वर और व्यंजन के बारे में बताने वाली हूँ। अच्छा, इसको अल्फाबेट अल्फाबेट आराम से समझ में आ गया होगा आपको, ए बी सी डी। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में वर्णमाला। अल्फाबेट को हिंदी में वर्णमाला, हिंदी में इसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर मतलब अ से आ तक के, अ आ ई ई ओ ओ री ए ऐ वो औ अम अहा, इसको हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन में क से श तक के अक्षरों को व्यंजन कहते हैं। कक्षा में और हम विस्तार पूर्वक सीखेंगे। जैसे अभी मैंने कहा था, आ से आह स्वर, लेकिन शुद्ध रूप से देखा जाए तो आ से औ, मतलब एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह स्वर वर्ण। अंग और अहा को अयोग वाह बोलते हैं, अंग और अहा अयोग वाह। उसी तरह से क से श तक के अक्षरों को व्यंजन कहते हैं। इन स्वर और व्यंजनों की पूर्ण जानकारी हम कक्षा में प्राप्त करेंगे। उसमें ये भी बताया जाएगा कक्षा में, इंग्लिश में आ से अनार, अनार मीन्स पोमोग्रेनेट, आ से आम, मैंगो, इस तरह से और भी विस्तार पूर्वक सिखाया जाएगा। धन्यवाद।